नमस्कार, मैं विमल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज। देवरिया के इंडस्ट्रियल एरिया में बंद पड़ी अटैची की फैक्ट्री में गुरुवार दोपहर अचानक आग लग गई। आधा दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। देवरिया के मोहन रोड निवासी मनीष रुंगाटा की पुरवा स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में मनीष इंटरप्राइजेस के नाम से अटैची फैक्ट्री है। करीब 8 माह से बंद पड़ी अटैची फैक्ट्री में गुरुवार की दोपहर कंपनी के पिछले हिस्से में आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रही। इसके बाद गोरखपुर से 2 और कुशीनगर से 1 और फायर वाहन बुलाया गया। घटना स्थल पर डीएम अमित किशोर और SPN कोलांची ने पहुंचकर जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास किया। फैक्ट्री बंद होने से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना में लाखों रुपए की मशीनें जलने की बात कही जा रही, वही फैक्ट्री का मालिक आग लगने का कारण बिजली विभाग की शॉर्ट सर्किट को बता रहा है, जबकि जिला अधिकारी देवरिया अमित किशोर आग बुझाने के लिए पुलिस अधीक्षक के साथ कमान संभाले हुए थे। जिला अधिकारी ने स्वयं बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाई, जो अपने आप में एक काबिल तारीफ है। मौके पर पहुंची जिला अधिकारी देवरिया के पुलिस अधीक्षक पर ऊपर अपर जिला अधिकारी प्रशासन, उप जिला अधिकारी देवरिया, क्षेत्राधिकारी सदर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी मौजूद रहे।